दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव जो है वो आज हो रहे हैं। दिल्ली के 52 कॉलेज के अंदर ये जो चुनाव है वो हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको शहीद भगत सिंह कॉलेज के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जो है अपने अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए जो छात्र है वो पहुँच रहे हैं। आप बता दें छात्र छात्राओं ने बताया कि साफ सफाई, पीने के पानी और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कमरों के पंखे, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार वोट दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 साल बाद जो है छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, और जहां एक तरफ प्रत्याशियों के अंदर जोश है तो वहीं जो वोटर छात्र हैं उनके अंदर भी जोश है, और कई सारे अहम मुद्दे जो कॉलेज के होते हैं उन मुद्दों के आधार पर ही जो छात्र हैं वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र और छात्राओं से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि क्या क्या खास मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो इस बार वोट कर रहे हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। मेरा नाम जरीन है, मैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है, मतलब अभी इलेक्शन के टाइम पे ये लोग जागे हैं कि इन्होंने प्रमोशन वगैरह स्टार्ट करा है। उससे पहले इन लोग को अभी हमारे क्लासरूम में ऊपर मतलब गिर गया था थोड़ी छत वगैरह, तो मतलब किसी का सर्वर भी टूट सकता था, तो काफ़ी इंजरी भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, और जैसा कि हमने बताया कि फैंस वगैरह की भी दिक्कत है, पानी नहीं आता, वाटर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। तो अभी जैसे गर्मी इतनी पड़ रही है तो हमारा पानी भी, मतलब पानी के खोलने की भी दिक्कत होती है, ये सब प्रॉब्लम है। इस बार जो आपने वोट दिया है तमाम मुद्दे जहन में आते हैं तो वो समस्याएं सुधरेंगी, उम्मीद है आपको? उम्मीद कर सकते हैं कुछ, अगर कैंडिडेट्स ऐसे हों, उम्मीद तो है थोड़ी, इसलिए वोट करने आई दूर से। प्रिया दायर। अच्छा, अभी आप वोट देकर आई हैं तो एक सवाल उठता है कि आपने वोट क्यों दिया, क्या मुद्दे थे, क्या चाहिए, जरा उनको बताएं। मुद्दे यही थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो चुका है, हमारा GCR है, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो उन्होंने वो कहा था कि वो बनवाएंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़वाएंगे, हमारे वाटर कूलर नहीं चल रहे तो उनके लिए भी उन्होंने ये कहा था कि वो बनवाएंगे। हमारे कंप्यूटर लैब्स भी ठीक से नहीं वर्क कर रही, मतलब कंप्यूटर लैब्स में मुस्कान यादव। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। अभी आप वोटिंग करके आई हैं, इस बार क्या मुद्दे थे जहन में जो चुनाव से पहले एक आम नागरिक को आते हैं? जी, हमारे देखिए तो हमारी लैब जो है कंप्यूटर लैब, उसमें कंप्यूटर्स ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें तो वही चाहिए। मेन उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर लैब्स ठीक करके देंगे, तो हम लोगों ने उसके लिए वोट किया है। सॉफ्टवेयर अभी हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं ना, इस वजह से तो हमें ये जैसे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फीस हाइक है, फीस हाइक भी हमारे कोई से गवर्नमेंट फंडेड नहीं है ना, तो हमारी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और हर साल बढ़ती रहती है। तो उन्होंने कहा था फीस हाइक के लिए भी ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो इसी वजह से हम ये सब सुन के वोट देके आए। क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम धर्मवीर लांबा है, CVS कॉलेज। अच्छा, आज आप वोट करके आए, क्या मुद्दे थे जहन में, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग वोट करने जा रहे हैं? सर, वोट का ऐसा है, सबसे पहले तो है गर्ल्स सेफ्टी। अभी कॉलेज के अंदर जैसे वाटर कूलर है, मतलब जो कॉमन इश्यूज हैं वही कंप्लीट नहीं हो पा रहे। स्टूडेंट को चाहिए कि अपने जो कॉमन इश्यू हैं, वाटर कूलर है, साफ़ सफाई है, कंप्यूटर लैब है, और कोई दूसरे लैब वगैरह हैं, पार्किंग समस्या है, इन्हीं इश्यूज को लेकर हम वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम तुषार चौधरी। अच्छा, वोट डाल के आए, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में ये मुद्दा रहा है, हमें पानी की प्रॉब्लम है कॉलेज में, खेलने कूदने की प्रॉब्लम है, ना कोई ग्राउंड है, ना क्लासेस में एसी नहीं है, पंखे चलते नहीं हैं, तो ये मुद्दे सही करवाने हैं। जिस भी हम उसको कैंडिडेट को चुन के आए हैं, हम उससे यही चाहते हैं कि क्या नाम है हमारा भाई, जो भी जीते, कोई भी जिस कैंडिडेट को हम वोट दे के आए हैं वो जीते और अपनी प्रॉब्लम, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। हाँ, साहिल भिदोड़ी। साहिल जी, आप वोट करके आए हैं कि जहन में सवाल आता है कि मुद्दे क्या रहे होंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे जैसे हमारे कॉलेज में बेसिक फैसिलिटीज़ जो कॉलेज तो प्रोवाइड करती है, बट फैसिलिटीज़ आने तक बीच में जो होते हैं मीडिएटर, उनकी वजह से वो फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो हमने चूज़ किया, जिसको हमने वोट दिया है, उसके आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे, कम से कम 20 से 25 मैनिफेस्टो हैं, और अपोजिशन के किसी के भी कहीं भी मैनिफेस्टो नहीं है, इवन एक भी पोस्ट के कैंडिडेट के। अरे, इसमें मुद्दे क्या हैं चुनाव में? मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे कॉलेज की साफ़ सफाई, कॉलेज में साफ़ पानी,
कॉलेज में फ़िल्टर का रिपेयरिंग वगैरह, कैंटीन का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना, BCR बॉयज़ कॉमन रूम है हमारे कॉलेज में, उसमें AC का लगवाना, ये तमाम मुद्दे हैं। हाँ जी, और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो मैंने अभी मैनिफेस्टो में, मतलब बेसिक ध्यान नहीं है, काफ़ी पढ़ा नहीं मैंने।